हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप टू के बारे में, स्टेप टू इनशॉट एडिटिंग ऐप के बारे में। तो अगर आपको स्टेप वन इनशॉट एडिटिंग ऐप का पता नहीं है, अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, वहां पे जाके आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है वहां पे कि आपको कैसे वहां पे एडिटिंग करना है, और आप वहां पे जाके एक बार जरूर देखिए, और उसके बाद आपके जो ओपिनियन है, आपको कुछ क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नमस्ते, मैं हूँ वैष्णवी और आप देख रहे हैं वैष्णवी टेक पिच चैनल। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टेप वन में पीआईपी तक देखा था, राइट? उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो या फोटो कैसे आपके वीडियो में एड कर सकते हैं साइड स्क्रीन में, जो आप अभी देख रहे हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन जो वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, उस तरह से आप उसको कैसे वहां पे ऐड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे जो आपके बैकग्राउंड पे ग्रीन स्क्रीन रहता है उसको कैसे रिमूव करेंगे, वो भी आप पीआईपी में ही मिलेगा। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ पीआईपी का ही दूसरा ऑप्शन, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको पीआईपी का जो ये ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो फोटो या वीडियो है आपका, जो भी है फोटो या वीडियो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड का, और आपको वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एरो दिखाती हूँ लेके। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक एरो है, इसको सिलेक्ट किया ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड का, और ये जो ग्रीन स्क्रीन है मुझे इसको रिमूव करना है, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए हम उसको पॉइंट करने के लिए एरो शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहाँ पे एरो शो करते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको क्लियरली समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, तो आपको मैं एक बार प्ले करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एरो है वो आ रहा है, बट उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन स्क्रीन का है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रोल करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपको क्रोमा का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्रोमा में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करना है साइड में, ओके? और यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ जो है इसको आपको फुल करना है। आप देख सकते हैं, सपोज मैं आपको एक बार शो करती हूँ, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एरो का एग्जांपल बताया, बट आप किसी भी चीज का यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और आपने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा, अगर उन्होंने ग्रीन स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव किया, वो ऑब्जेक्ट पे आपको साइड से हल्का सा एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का ऑप्शन है इसको आप इंक्रीज कीजिए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो स्ट्रेंथ है वो 100% ही रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो लाइन अच्छा नहीं लगता साइड में ऑब्जेक्ट के। तो इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए आपके ऑब्जेक्ट पे वो ग्रीन इफेक्ट दिख रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो टिक मार्क है इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है, ड्यूरेशन, स्प्लिट, डिलीट, एनिमेशन, फिल्टर। तो ये मैं आगे आपको कवर करके बताऊंगी ही, आगे भी हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे, तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं, ओके? उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ तक आ गए तो आपको अगर ये जो एरो है जिस भी डायरेक्शन में दिखाना है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसको ऐसा पकड़ के इसको आप रोटेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये जो है, या तो फिर आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं इस तरह से। सपोज यहाँ पे ये मैं शो करूंगी मेरे वीडियो में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? इस तरह से, ठीक है, तो अच्छा है, राइट? और अगर आप इसको एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। सिंपली इस पे इसको सिलेक्ट कीजिए, एनिमेशन पे क्लिक कीजिए, और आपको जैसा एनिमेशन चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं ये वाला जो एनिमेशन है ये लगाते हो और इस पे मैं टिक करते हो, ठीक है, तो अब आप एक बार देखिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? इस तरह से अच्छे होंगे। तो ठीक है, तो पीआईपी का तो ऑप्शन मैंने आपको बताया, वहां पे आप वीडियो भी कैसे ऐड कर सकते हैं, फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, करेक्ट? अब उसके बाद आता है ऑप्शन प्री कट का। तो ये प्री कट क्या है, तो सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी प्री कट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्री कट में तीन ऑप्शन मिलेंगे, ट्रिम,
ट्रिम कट स्प्लिट। तो अगर आपको इसको ट्रिम करना है लाइक इस तरह से तो आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। कट में अगर आप देखेंगे तो आपको इसको कहाँ से कहाँ तक कट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट पे करेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको जितना पार्ट स्प्लिट करना है मतलब डिलीट करना है सपोज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपको जो भी पार्ट करना है लेफ्ट साइड या राइट साइड का डिलीट करना है उसको आप स्प्लिट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्री कट का हमने देखा, उसके बाद यहाँ पे भी आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्प्लिट क्या है। तो स्प्लिट क्या है, स्प्लिट मैं आपको एक बार बताती हूँ। तो सपोज यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया, राइट, तो सिंपली यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे मैं टू सेकेंड्स करेक्ट इसको मैं क्लिक करूँगी वीडियो क्लिप को और फिर उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट लगाऊंगी तो ये स्प्लिट हो गया। और फिर मुझे अगर कोई क्लिप डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी क्योंकि मुझे जो इनिशियल है जो हम कैमरा सेटअप वगैरह करते हैं वो पार्ट नहीं चाहिए तो इसको मैं स्प्लिट करके यहाँ पे जो ये डिलीट का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते ये जो क्लिप था हमारा वो स्प्लिट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा प्री कट, स्प्लिट और डिलीट। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी वीडियोस के लिए, शॉर्ट रील्स लॉन्ग वीडियोस। तो आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम का है बहुत सारे टाइप के वीडियोस बनाते हैं हम, सपोज कोई वीडियो बनाता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है तो म्यूजिक का वॉइस वॉल्यूम आपको कितना रखना है, आप जो बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम आपको कितना रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे मैं प्ले करती हूँ यहाँ से, तो आपको जिस टाइम से वीडियो को वॉल्यूम एडजस्ट करना है या पूरे वीडियो का एडजस्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और उसको आपको कैसे करना है मैंने आपको बताया स्प्लिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्प्लिट लगाती हूँ उसके बाद वीडियो को मैं प्ले करती हूँ। तो अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूंगी, वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% है इसका, आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें कि आप कैसे, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करती हूँ, एडिट कर सकते हैं, ओके, ठीक है, आपको बताने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे किसी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए मेरे वीडियो के लिए तो सिंपली यहाँ पे आपको मैंने बताया था आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लेना है स्टेप वन में। तो आपको क्या करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है, उसके बाद म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और माय म्यूजिक पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो ये म्यूजिक है इसको मैं सिलेक्ट करूंगी एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेट हुआ है, ये सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट होगा और आपको किस टाइम तक चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट किया है हमने ऑलरेडी तो स्प्लिट पे टिक करना है। स्प्लिट पे टिक करने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड या राइट साइड का क्लिप डिलीट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है राइट साइड का, तो यहाँ पे मैं उसके बाद स्प्लिट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करूंगी तो आगे का जो म्यूजिक है वो अब नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बताती हूँ आपको इसका वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करना है। तो आप मैं आपको पहले सुनाती हूँ, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बट मुझे इतना नहीं चाहिए मेरे वीडियो के लिए, तो इसको सिलेक्ट करूंगी, वॉल्यूम पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको जितना चाहिए उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 5% काफी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाती हूँ, एडिट कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ पे पॉज लेती हूँ जानबूझ के, मैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो है इसके बैकग्राउंड पे म्यूजिक आ रहा है। और अगर आपको इसका और ज्यादा वॉल्यूम कम करना है तो भी आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है कि आपको कितना रखना है, ठीक है। वॉल्यूम का देख लिया, अब हम देखेंगे बैकग्राउंड का। तो आपको यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन शो हो रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगी और आपको आपके वीडियो के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर आपको कोई फोटो लगाना है आपके गैलरी में से तो यहाँ पे जो ये आपको गैलरी का ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप आपका
कोई भी फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप इसको एक एक सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड किस टाइप का आपको चाहिए। ये तो हुआ आपके वीडियो के अंदर, मतलब वीडियो के अकॉर्डिंग। और अगर आपको किसी कलर में चाहिए, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक, रेड, इस तरह से, ठीक है, ऑरेंज, जो भी आपको चाहिए। ओके, ये तो हुआ कलर। और अगर आपको ग्रेडियंट कलर में चाहिए तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप एक बार वहां पे चेक कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई पैटर्न वहां पे लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, सपोज ये इस तरह से। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, राइट? तो आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेक्सचर भी मिलेंगे, आपको पैटर्न में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस तरह से, करेक्ट। और यहाँ पे बहुत अच्छे से आप आपके जो वीडियोस है उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्सचर भी मिलेंगे, सपोज यहाँ पे इस तरह से। आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे आपको यहाँ पे टेक्सचर भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें फिर इसमें से आपको जो टेक्सचर चाहिए वो आप यहाँ पे टेक्सचर रख सकते हैं। ओके, ये तो हुआ बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पीड का। तो ये स्पीड क्या है? तो स्पीड मतलब अगर कोई क्लिप है आपका, अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं और आपको वो फास्ट दिखाना है या स्लो दिखाना है, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड में। बट इसके अलावा अगर आप मेरे जैसा स्लोली स्लोली बात करते हैं तो भी आप यहाँ पे ये जो स्पीड का ऑप्शन है इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं स्लोली बताती हूँ आपको, मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ, क्योंकि जो भी बेसिक चीज़ है वो आपको समझ में आने चाहिए। मैं आपको मतलब पूरा एडिटिंग वगैरह करके ज़्यादा फैंसी टाइप बना के मैं आपको शो नहीं करना चाहती, मैं आपको बेसिक लेवल का सिखाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्पीड का हम देख रहे थे, करेक्ट। तो सपोज यहाँ पे अब मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, अगर मैं स्प्लिट नहीं करूँगी तो मेरा जो ये पूरा क्लिप है वीडियो का उस पे चला जाएगा पूरा, जो भी मैं आगे प्रोसेस करूँगी। तो आपको स्प्लिट कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगी, स्प्लिट, ठीक है, इसको मैं प्ले करूँगी। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार स्प्लिट लगाओ और जो क्लिप को आपको स्पीड प्लस माइनस करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं मिडल का क्लिप लेती हूँ मेरा, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया स्पीड इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना था, 1 पे था, अब मैं इसको 2 पे करती हूँ, 2.0 इस तरह से, ठीक है। और टिक पे क्लिक करूंगी तो आपको अब डिफरेंस समझ में आएगा। तो मैं इसको प्ले करती हूँ, तो देखा आप, तो मोस्टली जो व्लॉग बनाते हैं जल्दी जल्दी बोलना होता है, अगर वो स्लो भी बोलेंगे तो भी आपको जल्दी जल्दी वीडियोस में दिखाते हैं, तो वो स्पीड का जो ऑप्शन है उसको यूज करते हैं। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे जो ये स्पीड का ऑप्शन है, अब मैं आपको स्लो करके दिखाती हूँ। कैसे आपको YouTube create, ठीक है, इतना भी नहीं करना है आपको डरावना। तो यहाँ पे सिंपली नॉर्मल अब मैं रखती हूँ, तो आपको नॉर्मल जो है वो वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल क्लिप है, बट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बहुत ज्यादा आगे पीछे करके दिखाया था, क्योंकि जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऐप के बारे में जितने भी एडिटिंग टूल्स थे मैंने step 1 और step 2 में उसको कवर किया है। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है या आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने step 1 नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।